दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSJ टेक्नोज्ञान। दोस्तों, अगर आपको भी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, नेटवर्क से रिलेटेड या प्रिंटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इसको ठीक भी कराना है या इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैसे आप सब, उम्मीद है सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी स्पेयर हार्ड ड्राइव रखी हुई है या SSD रखी हुई है तो उसको हम किस तरीके से एज ए बैकअप ड्राइव यूज़ कर सकते हैं USB बना के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास लैपटॉप की हार्ड ड्राइव है, ये SSD है लैपटॉप वाली, ये हमारी डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव। तो अगर किसी भी टाइप की हमारे पास हार्ड ड्राइव रखी हुई है तो उसको हम एज ए बैकअप ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये WD आती है, ये अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। दोस्तों, इन सबको बैकअप ड्राइव बनाने के लिए हमें केसिंग और एनक्लोज़र भी बोलते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, ये एनक्लोज़र है मेरे पास एक 3.5 इंच का, 3.5 इंच और 2.5 इंच मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जब हम हार्ड ड्राइव लगाएंगे तो दोनों ही लिखे होते हैं। तो ये हमारी 2.5 इंच में कैलकुलेट होती है और डेस्कटॉप वाली हमारी 3.5 इंच में। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो केसिंग है, ये मेरी स्पेशली डेस्कटॉप के लिए है, बट इसको हम लैपटॉप की हार्ड ड्राइव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या SSD हमें लगानी हो तो SSD के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि अगर हम लैपटॉप वाली हार्ड ड्राइव इसमें यूज़ करते हैं या SSD यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें ये अडेप्टर नहीं लगाना है। देखो दोस्तों, इसके साथ ये अडेप्टर आता है। अगर हम लैपटॉप की हार्ड ड्राइव लगाएंगे तो हमें अडेप्टर यूज़ नहीं करना है, ये मैंडेटरी है, इसको खास ध्यान रखना। तो दोस्तों, यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। सिंपल मेरे पास हार्ड ड्राइव है, ये कनेक्टर है, एक पावर का, एक डेटा का। ऐसे इसमें भी है, एक पावर का, एक डेटा का। इसको मैच करा के हमें इसको इंसर्ट करना है। बस दैट्स इट, ये मेरी लग गई। पहले हम इसको लगाते हैं, ये मेरी पैक हो गई। अब मैं इसको इजीली यूज़ कर सकता हूँ एज ए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और बैकअप हार्ड ड्राइव। मैंने लैपटॉप लगा दिया, अब मैं अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ। ये मेरी इसके साथ केबल आई है, ये मैंने अपनी केबल एक साइड केसिंग में लगा दी, एक साइड में इसमें यूज़ करूँगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें LED जल चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें अपनी बैकअप ड्राइव रखनी चाहिए। कोई भी सिस्टम का, अगर हमारे पास सिस्टम या लैपटॉप में क्रिटिकल डाटा है तो उसका बैकअप हम इसमें ले सकते हैं। ये दोस्तों में शो हो गई है हार्ड ड्राइव, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसमें लैपटॉप की हार्ड ड्राइव भी लगा के चेक करते हैं। यहाँ से मैंने किया इसको इजेक्ट, ये मैंने मार कर दिया। दोस्तों, लैपटॉप के लिए स्पेशली ये 2.5 इंच की भी आती है, लेकिन 3.5 इंच लेने का क्या बेनिफिट है कि इसमें हमारी, चाहे हम डेस्कटॉप की भी यूज़ करें चाहे लैपटॉप की यूज़ करें, इसमें दोनों फ़ायदे हैं दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये मैंने 3.5 इंच की 2.0 ली है, लेकिन अगर आप लेने जाओगे तो इसको मैंडेटरी 3.0 लेना, जिससे कि आपको परफॉर्मेंस मिले, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। ये दोस्तों मेरी लैपटॉप की है, अगर मुझे इसी में लगानी है तो मैं इसमें भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। सिंपल, ये हार्ड ड्राइव मैंने उठाई और इसको मुझे खींच लेना बाहर को, ये मेरी बाहर निकल गई। मुझे लगानी है तो मैं इसमें सिंपल SSD इंसर्ट करके, यहाँ पे 2 स्क्रू लगाने का ऑप्शन है जो कि इसके साथ आता है, वो स्क्रू मैं यूज़ करूँगा तो ये मेरी चल जाएगी हार्ड ड्राइव। अब दोस्तों, इसमें भी दिखा देता हूँ, ये मेरी लैपटॉप की केसिंग है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये मेरी ओपन हो गई और ये मेरा कन्वर्टर निकल गया। इस तरीके से अगर आपका भी निकल जाए तो घबराना मत, सिंपल है लगाना इसको। ये मैंने अपनी इसमें से निकाल ली SSD और ये मैंने इसमें लगाया, ऐसे ही मैच करके लगाना है, एक साटा एक पावर, इसमें भी एक साटा एक पावर, मैच करा के मैंने लगा दिया इस तरीके से। दिखा भी देता हूँ मैं आप लोगों को, ये देख लो, ये वाला
पावर साइड है, ये वाला डेटा साइड है। ऐसे इसमें ये मेरा पावर साइड है, ये मेरा डेटा साइड है। इन दोनों को मैच करा के आपको ये लगाना है। ये मैच हो गया, मैं इसको उल्टा मत लगाना दोस्तों। तो ये मेरी लग चुकी है, अब मैं इसमें इसको लगा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये मेरी लग गई है इसके अंदर, ये बिल्कुल सेट हो गई। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर देता हूँ। सिंपल ये बन गई। अब मैं इसकी केबल यूज करूँगा। ये मेरी हार्ड ड्राइव इसमें भी आ चुकी है। देखिए इसमें भी लाइट जल चुकी है, ये भी मुझे यहाँ मेरे कंप्यूटर में शो हो रही है। तो इसमें मैं अब इजीली अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप का डेटा, जो भी आप यूज़ करते हो, उसका बैकअप इसमें मैं रख सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हमारे पास ये हार्ड ड्राइव्स स्पेयर रखी हुई हैं तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम मार्केट से लेने जाएंगे यही एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तो कम से कम 3,500 से 4,000 कॉस्ट करेंगी, और अगर हमारे पास रखी हुई तो उसको हम बैकअप ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर स्टिल कोई इशू है तो आप हमसे हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।